तो विश्वेश जी कमाल करते हुए दिख रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले दो कॉल विश्वेश जी के दीपक नाइट्राइट बहुत जबरदस्त तेजी से गिरा है, 1535 के आसपास आपने शॉर्ट करने की राय दी थी, मेरे ख्याल से काफी कुछ टारगेट्स आए होंगे, अपडेट ले लेता हूं। इसके अलावा मेरे ख्याल से वोल्टास का पुट ऑप्शन खरीदने की राय भी दी थी, और बैंक निफ्टी जो आपको एक स्प्रेड बनाया था जीरो कॉस्ट पे, जी हाँ जीरो कॉस्ट पे, उसका दाम हो गया 400 रुपए, वो सुपर हिट रहा। तो विश्वेश जी पहले तो बधाई, एक के बाद एक सारे कॉल सुपरहिट साबित हो रहे हैं, आप एकदम सही टाइम पर और बहुत पहले बहुत जल्दी मंदी में आए इस बार, और तगड़ा आपने और उसने आशु जी ने दो दिन पहले बड़ा तगड़ा रंग जमाया, तो पहले तो अपडेट दीजिए आपके सारे कॉल्स के। धन्यवाद अनिल जी। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में सर हैवी डिस्ट्रीब्यूशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लोअर साइड में ब्रेक हो रहा है। आज बैंक निफ्टी ने जो 35,000 फील किया है, अगला जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट एनर्जी है वो 32,500 के आसपास है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल शायद लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म फिर भी चेंज ना हो, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और ये जो फॉल है ये आज का शायद अभी कर्टेल हो गया क्योंकि एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 34 के आसपास एक्सपायरी की कोशिश हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फॉल जो वो एक्सटेंड होगा क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक बहुत हैवी डिस्ट्रीब्यूशन देखा जा रहा है। तो अगर मैं एक सेंटेंस में सम अप करूं तो मैं ये कहूंगा कि एग्रेसिव लॉन्ग्स ना रहे, और जहां पे सबसे ज्यादा लॉन्ग्स हैं पब्लिक के, यू नो जो क्राउडेड ट्रेड्स हैं उसमें सबसे ज्यादा सेल ऑफ देखने मिलेगा, क्योंकि एक इंडिकेटर जो मुझे लग रहा है एनर्जी, जब हैवियर आईपीओज आते हैं तो उसके बाद में हमने देखा है कि मार्केट में टॉपिश या एटलीस्ट शार्पर प्रॉफिट बुकिंग की सिचुएशन बनती है, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी 32,000 की ओर जा सकता है यहां से अभी भी, यानी कि यहां से 1800 पॉइंट और। जी सर, अभी भी बैंक निफ्टी में गिरावट के आसार बन रहे हैं, क्योंकि एक जो इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा अनिल जी, और ये डेटा एट द स्टार्ट ऑफ फेब भी क्लियर था, बैंक निफ्टी जब भी 5,000 to 7,000 पॉइंट्स रैली किया है उसके बाद एक से डेढ़ महीने या दो महीने तक भी साइडवेज टू बेरिश ट्रेंड रहा है, एटलीस्ट अगर आप ये मार्च के लो से देखोगे तो आपको यही सिग्नेचर मिलेगा। तो हमने जो जैन की और फेब के बाद जो रैली की थी बजट के बाद, मुझे लग रहा है कि वो रैली वॉज अ, उसके बाद में ये जो सेल ऑफ है दैट इज क्लियरली इंडिकेटिंग। सो मेजर सपोर्ट जो है, अगर आपको याद होने जी तो हम लोग दिसंबर 2019 के जो हाई थे वो थे 32,600, इस बार भी हम 13 जनवरी के आसपास जो हाई बना था बजट से पहले वो 32,500 था, और जब हम वो निकले थे तभी 37-38 की कर दिया थे, तो मुझे लगता है वो लेवल रिटेस्ट होगा 32,500। सो 1,500 पॉइंट का पेन और हो सकता है बैंक निफ्टी में, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, 1,500 पॉइंट की जगह और है, आपने तो डर ही दिया, मैं तो सोचा कि आप अब इतना पहले आप एक्शन में आ गए तो अब शायद आप नीचे की तरफ भी खरीदारी का मौका ढूंढेंगे, जो कि आप आमतौर पर करते हैं, गिरते बाजार में मजबूत सपोर्ट पर खरीदारी करने का इरादा भी रखते हैं विश्व जी। अच्छा बताइए आज अब कौन सी पिक है आपके पास? एक ऐसी पैटर्न बन के आ रही है, और वो पैटर्न अगेन मैंने एक इंटरनेशनल एनालिस्ट थे उनकी ट्विटर फीड पर पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि जब जब नैसडेक कंसेक्यूटिवली 6 से 8 सेशन तक इंट्राडे में 2% के हाई लो मूव करता है तब तक बहुत मेजर टॉप बना है आईटी में, ठीक है। तो अब आप नैसडेक देखिए, रोज की 2-3% की वॉलेटिलिटी है, 200-400 पॉइंट मूव कर रहा है, दैट इज टेलिंग कि वो यूएस मार्केट के आईटी में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और आज वो सिग्नेचर विजिबल है इंफोसिस में। इंफोसिस में आज डबल टॉप बना है अनिल जी 1400 के आसपास, और जिस हिसाब से वहां से गिरा है मुझे लग रहा है इंफोसिस गिरना चाहिए, और आईटी गिरेगा तो निफ्टी नहीं उठेगा बिकॉज निफ्टी वॉज द आईटी सपोर्टेड, तो मुझे लगता है इंफोसिस में शॉर्ट करना चाहिए 1380 के स्टॉप लॉस से 1220 के टारगेट के लिए। सो दैट इज अ वन ट्रेड जो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, लास्ट मैन स्टैंडिंग वाली चीज में हो सकती है, और आज एक्सेंचर के रिजल्ट की वजह से जो आईटी स्टैंड आउट था मुझे लग रहा है दैट इज नाउ गेटिंग अ क्लियर डायरेक्शन। सो अगेंस्ट अ मार्केट अगेंस्ट द क्राउड आईटी शॉर्ट करने का मेरे हिसाब से इज अ गुड आइडिया राइट नाउ कि लार्जर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त इंफोसिस में बिकवाली की राय, 1220 तक के टारगेट है, 1380 स्टॉप लॉस थोड़ा दूर नहीं है विश्वेश जी? सर अभी 1340 के आसपास चल रहा है फ्यूचर में, तो 40 रुपए का स्टॉप लॉस इसलिए रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वॉलेटाइल हुआ तो सर ये पैनिक करेगा, उनके कंपेयर में 1240 मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपए के टारगेट है, तो 1:2.5, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली बन रहा है सर। बट ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है सर आईटी में आज के दिन में जो हैमर बन के हम नीचे जा रहे हैं दैट इज अ स्लाइटली कंसर्न, एंड आईटी अगर वीक होता है तो मुझे लगता है मार्केट उठेगा नहीं।
बिल्कुल, आईटी अगर वीक होगा तो मार्केट्स नहीं उठेंगे। नजर रखिए, आईटी स्टॉक्स वीकनेस आज दिखा रहे हैं और बड़ी ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं। शुक्रिया विश्वेश जी। इन्फोसिस ये है विश्वेश जी की सेल कॉल।